हाय गाइस, दिस इज अजय और आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Redmi Note 5 और Asus Zenfone Max Pro M1 स्मार्टफोन को। तो चलिए देखते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन अपना लेना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन्स में 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। कलर्स प्यारे हैं, व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं और आउटडोर्स में भी ये अच्छे दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक की कंट्रास्ट रेशो की बात है, Zenfone Max Pro में 1500:1 का रेशो मिलता है, यहाँ पे 1000:1 का रेशो मिलता है। लेकिन अगर स्टैट्स से थोड़ा अलग जाएं, दोनों ही डिस्प्ले में कहूँगा शानदार दिखाई पड़ते हैं। बिल्ड क्वालिटी में आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर बिल्ड है। मैं यहाँ पीछे से Redmi Note 5 का कवर हटा देता हूँ तो आप देखेंगे दोनों के ही बैक और फ्रंट में काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी दी हुई है और थिकनेस भी लगभग सेम है। और जहाँ तक वेट की बात करें तो वेट भी लगभग दोनों डिवाइस का सेम ही है। गाइस, Zenfone Max Pro M1 में आपको मिलता है नॉर्मल सिम ड्राइव जिसमें आप दो सिम कार्ड और SD कार्ड तीनों इकट्ठे डाल सकते हैं। वहीं Redmi Note 5 की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड सिम ट्रे है जिसमें आप या तो दो सिम कार्ड डाल सकते हैं और अगर आपको SD कार्ड डालना है तो आपको एक सिम कार्ड हटाना पड़ेगा। दोस्तों, कंपेयर कर लेते हैं दोनों फोन्स के कैमरास को। तो यहाँ पे Zenfone Max Pro M1 में मिलता है पीछे की तरफ डुअल कैमरा जो कि 13 MP प्लस 5 MP का कॉम्बिनेशन है। फ्रंट में मिलता है आपको 8 MP कैमरा विद फ्लैश और यहाँ पे Redmi Note 5 में मिलता है 12 MP का सिंगल कैमरा पीछे की तरफ विद फ्लैश डुअल टोन और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा विद फ्लैश जो कि 5 MP कैमरा है। अब फोटोज मैंने कई सारे कंडीशन में खींचे हैं दोनों फोन से। दोस्तों, नीचे की तरफ यहाँ पे Zenfone Max Pro M1 है और ऊपर यहाँ पे Redmi Note 5 है। कलर्स ओवरऑल ज़्यादा नेचुरल जो मुझे दिखाई पड़े वो Zenfone Max Pro M1 में दिखाई पड़े। और फोटो यहाँ कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे कलर्स थोड़े वॉश्ड आउट हैं, यहाँ पे कलर्स थोड़े नेचुरल और वाइब्रेंट दिखाई पड़ते हैं और फोटो भी ज़्यादा जूम होती है। ये क्लोजअप शॉट की बात करें तो ये देखिए, जिन कलर्स की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा दोनों के कलर्स में। अगेन गाइस, द सेम ग्रीनरी इज मोर वाइब्रेंट, मोर कलरफुल। और यहाँ पे जूम करके क्लैरिटी भी चेक की जाए तो क्लैरिटी तो ठीक ठाक दोनों फोन्स में ही है, लेकिन ओवरऑल क्लियरनेस और ओवरऑल क्रिस्प इमेजेस मुझे Zenfone Pro M1 में मिले। और जहाँ फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात आती है तो थोड़ा मामला थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे मुझे Xiaomi Redmi Note 5 बेटर लाइट कैप्चर कर पा रहा था। अब डिटेल्स तो Asus में भी अच्छी हैं लेकिन यहाँ पे लाइट्स इतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं हो पाई फ्रंट फेसिंग कैमरा से जितनी मुझे Redmi Note 5 में मिली। और अगेन गाइस, इमेजेस देख सकते हैं क्लैरिटी दोनों में है लेकिन ज़्यादा लाइट यहाँ पे नोट 5 में मिल रही है। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट से ये चीज़ आगे फ्यूचर में ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल एज थिंग्स स्टैंड्स टुडे। और यहाँ पे अगेन गाइस, काफ़ी सारी इमेजेस मैंने क्लिक करे हैं और आप देख सकते हैं। आप इंडोर्स की बात करें तो इन नॉर्मल लाइट कंडीशन में इमेज क्लिक किए गए थे। और गाइस अगेन, यहाँ पे क्लैरिटी दोनों ही फोन्स में बराबर मिलती है लेकिन अगेन कलर्स जो हैं आपके कलर्स ज़्यादा वाइब्रेंट Zenfone Max Pro M1 में मिले। और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता भी है क्योंकि डुअल कैमरा है Zenfone Max Pro M1 में। ये हेला का मेन जो है ऑब्जेक्ट फ्रंट में आया है, बाकी सारे ब्लर्ड आए हैं, लेकिन आपको वो ऑप्शन Redmi Note 5 में नहीं मिल पाती। अब इमेज कंपेयर कर लेते हैं फ्लैश के साथ तो अगेन गाइस, यहाँ पे ज़्यादा वाइब फ्लैश मुझे Zenfone Max का मिला जिससे कि पीछे की ऑब्जेक्ट्स भी जो आप देख सकते हैं वो ब्राइट आए हैं। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लोज था और Redmi में फ्लैश कम था तो Redmi ने एक ओवरऑल पिक्चर डिसेंट दी है एज कम्पेयर टू Zenfone। तो नॉर्मल जहाँ पर का ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ होगा वहाँ पर आपकी इमेज ज़्यादा क्लियर आएगी Zenfone Max से और क्लोज इमेज आपकी बेटर मिलेगी आपको Redmi से। और अगेन गाइस, इंडोर कंडीशन में कलर्स आर मच नेचुरल विद Zenfone Max Pro M1 एंड यहाँ पे Redmi Note 5 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
अब परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं, दोनों ही फोन्स के 3GB वेरिएंट हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर का फर्क आ जाता है। Redmi Note 5 में मिलता है थोड़ा पुराना प्रोसेसर, लेकिन अ गुड प्रोसेसर Snapdragon 625, वहीं लेटेस्ट वर्जन Snapdragon 636 हमें Zenfone Max Pro M1 में मिलता है। स्कोर्स यहाँ पे 1 लाख क्रॉस कर चुका है, वहीं Redmi Note 5 का स्कोर 77,000 पे है। इसका मतलब क्या होता है गाइस, आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दोनों ही फोन आपकी मल्टीटास्किंग, जीमेल, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप सारी ऐप्स आराम से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक अलग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक अलग तरह की हैवी गेमिंग करते हैं, तब वहाँ पे गाइस आपका जो है Snapdragon 636 which is found in Zenfone Max Pro M1 वो आपका काम आएगा। आप गेमिंग की बात कीजिए, आजकल PUBG काफ़ी फैशन में है, तो PUBG जैसा गेम आपका हाई ग्राफिक्स में आप चला पाएंगे Zenfone Max Pro M1 पे, लेकिन वहीं आपको मीडियम टू लो ग्राफिक्स में खेलना पड़ेगा Redmi Note 5 पे। तो भाई बात आ जाती है कि अब फोन लें तो कौन सा लें। यहाँ पे Redmi Note 5 मिल रहा है 10,000 का 3GB RAM वेरिएंट, और यहाँ पे Zenfone Max Pro मिल रहा है 11,000 का वही 3GB RAM वेरिएंट। सो गाइस Zenfone Max Pro M1 वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया प्रोसेसर मिल रहा है दैट इज Snapdragon 636, साथ ही साथ आपको पोर्ट्रेट मोड इमेजेस खींचने का ऑप्शन भी मिल रहा है, और बैक कैमरा तो मैंने चेक किया है हर कंडीशन में इट्स परफॉर्मिंग बेटर देन Redmi Note 5, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जहां पे फ्रंट फेसिंग कैमरा जो Redmi Note 5 का है वो आपका थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। इतना बुरा नहीं है Zenfone Max Pro M1, लेकिन अगर 19-20 की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में 20 आपका Redmi Note 5 जरूर दे रहा है, लेकिन आप एक ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हैं तो Zenfone Max Pro M1 विल परफॉर्म बेटर। उसके बाद परफॉर्मेंस की तो बात कर ही ली है, बैटरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 5000mAh बैटरी मिलती है और यहाँ पे Redmi Note 5 में 4000mAh बैटरी मिलती है, तो स्लाइटली आपकी बैटरी लास्ट करती है लॉन्ग Zenfone Max Pro M1 में। सो गाइज इट वुड मेक मोर सेंस कि आप 1000 रुपीज एक्स्ट्रा डालिए और एक नया प्रोसेसर और बेटर कैमरा वाला डिवाइस लीजिए। अगर आप MIUI के फैन हैं तो जरूर आप Xiaomi का फोन ले सकते हैं 10,000 रुपीज पे, इट इज अ गुड ऑफरिंग, बट अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर कैमरा चाहिए तो देन Zenfone Max Pro M1 शुड बी योर चॉइस। सो गाइज होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, हुआ है मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं पर्सनली आंसर करूंगा एज ऑलवेज। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हुआ है दिस इज अजय साइनिंग ऑफ, टेक केयर।